कैसे हो? गुड मॉर्निंग बच्चों जी। भाई अंकित तो पौने ग्यारह तक आएगा, कुछ होएगा काम। मेरे को निमिष का नहीं पता, चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन दिए थे आपको, नहीं हाँ दिए थे, तो वो हो गए थे? कोई डाउट तो नहीं है कुणाल? आर्यन नो सर, आपका भी हो गया था? किया थे? नो नो डाउट सर। डाउट सर, ओके वेरी गुड। चलिए बच्चों, आज हमें पांच क्वेश्चन करने हैं। पांचों क्वेश्चन माशाल्लाह क्वेश्चन है, कुछ नया अच्छा, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं कराऊंगा सारे। कम टू पेज नंबर 317, इलस्ट्रेशन नंबर 7.9 पे आइए। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 7.9 पे आइए। हाँ आइए। इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर फैक्ट्री, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेन फॉर द ईयर 2015। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आपको मटेरियल्स दे रखा है, वेजेस दे रखे हैं, ओवरहेड्स दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन दे रखे, ओवरहेड्स दे रखे हैं, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, प्रॉफिट ये दे रखा है। द वर्क ऑर्डर हैज बीन, ये 2015 का है, फिर आगे दे रखा है, द वर्क ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन 2016 एंड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड, मटीरियल 4000 एंड वेजेस 2500। ये निमिश आया क्यों नहीं आ रही? नंबर फोन करके पूछ ले, लेना करता हूँ सर, कॉल करता हूँ। क्या पता। एज्यूमिंग एक बार कर दीजिए। सर, जो हमारे वो कोटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम ये नहीं लेते ना, जो भी हमारे फैक्ट्री एक्सपेंस और वो सब होता है। फैक्ट्री एक्सपेंस वगैरह तो लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं लेते ना। कल ही तो किया था, परसों। फैक्ट्री एक्सपेंस का तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखे हो हम लेंगे, तो उसमें कंसिडर क्या क्या नहीं करेंगे? ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं करते किसी भी चीज का। अच्छा, किसी का भी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और वो सब किसी का नहीं, बाकी सारी कॉस्ट वगैरह लेंगे। हो गया बेटा, हो गया आर्यन, बात हुई? ठीक सर कॉल नहीं उठाया अभी। नहीं, कॉल नहीं उठाया चलो, सर। कोई नहीं, ठीक है। तो हमें एक ऑर्डर मिला है 2016 में, और उसमें सर मटेरियल आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही। नेटवर्क, देख मेरे को तो सही 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 लग रहा है। चलो अब आ रही है आवाज। हाँ, अभी तो ठीक है। मटेरियल 4000 है और वेजेस 2500 है। एज्यूमिंग दैट 2016 में जो फैक्ट्री चार्जेस है वो 20% बढ़ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 10% बढ़ जाएंगे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 12.5% बढ़ जाएंगे। व्हाट प्राइस शुड द कंपनी, शुड द प्रोडक्ट बी सोल्ड सो एज टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द सेलिंग प्राइस एज इन 2015। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो हमारे डायरेक्ट वेजेस पे बेस्ड है एंड ऑल द अदर ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। इस लाइन का क्या मतलब हुआ वो मैं बताता हूँ। पहले तो जो डाटा दे रखा है उस समय कॉस्ट शीट बनाते हैं 2016 की, तो आइए शुरू करते हैं। पहले 2016 की, सॉरी 2015 की जो कॉस्ट शीट बन सकती है पहले वो बनाना शुरू करते हैं। आप भी शुरू करिए। बिल्कुल सिंपल है, जो एक कॉस्ट शीट बन सकती है वो बनाना शुरू करिए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ये 2015 की बना रहे हैं। चलो इसको सीधा बाहर वाले कॉलम भी लिख सकते हैं हम, कोई नहीं। 3 लाख इस पे हमारी आ गई डायरेक्ट वेजेस। टू लाख 50,000
इसमें हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड। अब आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है, तो हम सीधा इसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें हमने ऐड किया अपना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अंकित अभी हमने यही क्वेश्चन शुरू किया है, आप पढ़ना शुरू करो 7.9 क्वेश्चन। और निमिष कहाँ रहेगी आज? ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हैं। इसमें हम अपने ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यहाँ तक तो बना ही दिया होगा सबने, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं ये 2015 की नहीं, अब हम 2016 की बनानी शुरू करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं वो कि डायरेक्ट मटेरियल कितना है हमारा 4000, वेजेस है हमारी 2500, फिर सीधा ही मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम 4000। हाँ अब पिछले वाले इसमें हमने पहले क्या लिया था, फैक्ट्री ओवरहेड लिया था। सर एक मिनट एक मिनट, जब हो जाए बता दीजिएगा। यस कुणाल करें शुरू। यस सर, देखो अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कह रहे हैं कि इस बार 20% बढ़ गए, वो तो समझ आ गया 20% बढ़ गए, लेकिन पहले बता दो चले बेस लेवल क्या है। तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, लास्ट लाइन अगर क्वेश्चन के पढ़ोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। इसका मतलब हम एक पेज पर वर्किंग नोट्स बनाएंगे अपने। अंकित आपको समझ में आ रहा है? यस सर। फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, रेट्स ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। हमारे तीन ओवर चार ओवरहेड्स है, ये ओवरहेड्स किस पे बेस्ड है,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस पे बेस्ड है? सबसे पहला हमारा है फैक्ट्री ओवरहेड्स। वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, इसका क्या मतलब हुआ कि अब आ जाओ ओरिजिनल जो हमने बनाई थी कॉस्ट शीट, कितने थे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स? 150,000 है, और वेजेस कितनी थी? 250,000 है। तो हमें देखनी है कि इसके कितनी परसेंटेज हुई है, 150,000 डिवाइड बाय 250,000, ठीक है। ये है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये है डायरेक्ट वेजेस, इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 200 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगी 60% आ जाएगी। इसको लिखेंगे 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो लिखा जाता है कि वेजेस जो हमारे ओवरहेड्स है वो हमारे वेजेस का 60% है। फिर उन्होंने बोला, सेकंड बोला उन्होंने सेकंड ओवरहेड्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। अब आ जाइए तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने हैं हमारे, वो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अपॉन नेट फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100, बेस लेवल पे की बेल्बो को लिए, कॉस्ट शीट को लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने? 168,000। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 7,00,000। ये हो गया 24%। डिनोमिनेटर में क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट, 24% ऑफ फैक्ट्री या नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कुणाल समझ में आ रहा है? यस सर। अब तीसरे ओवरहेड्स कौन से हमारे? सेलिंग ओवरहेड्स, बेस्ड ऑन नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड्स तो सर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तो एक साथ लेंगे ना? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तो एक साथ आता है ना सर? एक साथ आता है, लेकिन इसमें अगर अलग अलग दे रखा तो अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका रीजन है कि सेलिंग 12.5% बढ़ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10% डाउन हो रहा है, इसलिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगर परसेंटेज दोनों की सेम होती ना कुणाल, तब हम एक कर सकते थे। समझ में आई बात? Yes. दोनों की चेंज जो हो रहा है इस साल, दोनों की परसेंटेज अलग है, इसलिए मेरे को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो अपने ओरिजिनल पे आइए, सेलिंग कितना है? 112,000 और नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 7,00,000, ठीक है। तो सर फिर डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरहेड में नहीं लेंगे ना? डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरहेड में नहीं लेंगे ना? ओवरहेड है तो क्या हो गया, दो ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दे रखे हैं, क्या हो गया? नहीं नहीं मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो चार्जेस दे रखे हैं ना, ओवरहेड का नहीं। वो अरे ऐसे मत पकड़े, एक एक वर्ड मत पकड़े, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक ही चीज है। फोर्थ पे आते हैं अपने, लास्ट ओवरहेड्स हमारे, तो सर अगर इस वाले में हमें ऑफिस के अलग और एडमिनिस्ट्रेटिव के अलग दे रखे होते तो वो भी अलग अलग लेते। कौन से
ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग दे रखे हाँ होते हाँ हैं। हाँ अलग अलग। तो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके 70 सर। समझ आ गया यहाँ पे? और सर वो डिनोमिनेटर वाला क्या बोल रहे थे आपकी, मतलब ये कैसे डिनोम लिखते हैं? जैसे मैंने लिखा ना 16%, किसका 16%? नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो डिनोमिनेटर में आया, ये यहाँ पे भी ये जिस लिखो, पे वो बेस्ड होगा वो हमारा वेजेस पे डिनोमिनेटर बेस्ड होगा, होएगा। वो जैसे मान लो इस पे डिनोमिनेटर बेस्ड होगा। है, ये वेजेस पे बेस्ड है, तो ऑफ डायरेक्ट वेजेस। चलो अब इनको यूज करके अपनी कॉस्ट शीट पूरी करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा कितना है? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वेजेस कितने? 2500, इसका 60%। और इस बार जो, ये तो हो गया बेस लेवल के ओवरहेड्स। इस बार जो ओवरहेड्स फैक्ट्री वाले, वो 20% बढ़ेंगे। तो दो तरीकों से बताऊंगा, एक कुनाल वाला तरीका, एक नॉर्मल तरीका, या ये जो आएंगे, या तो इसको सीधा into 20% कर दो। और अगर कुनाल के तरीके से करोगे, जो बहुत सिंपल होता है और बहुत अच्छा होता है, जैसे ये 1500 आ गए प्लस 20% कर दो, तो दोनों ही चीजों से आप कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। सॉरी प्लस, हाँ प्लस 20%, तो ये आ गया 1800। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई हमारी 8300। अब इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, क्या परसेंटेज है? 24% ऑफ, 24% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 8300। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हमारे गॉन अप, हैज हैव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैव ईच गॉन बाय, गॉन बाय है ये ना, क्या पूरी लाइन पढ़ते हैं? फैक्ट्री चार्ज इंक्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बाय 10% एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन बाय 12, मतलब ये कम हुए, कम हो गए ये। तो इसको क्या करेंगे, जो भी आएगा -12.5% कर दीजिए, या फिर सीधा into 87.5% भी आप कर सकते हैं। ये प्लस दिखा रहे हैं, ये ना इन्होंने इसको गॉन अप कर लो बेटा, ये गॉन अप है, गॉन अप है ये, गॉन अप कर। मैं तो पूरी लाइन पढ़ रहा था, तो उससे तो गॉन डाउन आ रहा है, लेकिन इन्हें अब से क्या, इसका मतलब मिसप्रिंटिंग है कहीं ना कहीं। उसको गॉन अप लिख लो, गॉन अप। समझ आ गया अंकित? यस सर। आर्यन यस सर। क्या आ गया हमारा? 10541। अब आ जाइए दो और ओवरहेड हमारे, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड है हमारा 16% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो 8300 का 16%। और उसके बाद सेलिंग ओवरहेड हमारे गॉन अप है 12.5%, तो into 112.5 भी कर सकते हैं। एक मैंने आपको ऐसे बता दिया, एक मैंने आपको ऐसे बता दिया, ये आ गया 1494। और यहीं पे हम लिख लेते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो हमारे है वो है 8300 का 10%, और ये जो है डाउन गए 90%, मतलब 10% कम हुआ। तो ये आ गया 747। तो इन सबको ऐड करके हम कर देते हैं, ये हमारी कॉस्ट आ गई 12782। लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। अब ये तो टोटल कॉस्ट आ गई, अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट प्राइस शुड द प्रोडक्ट बी सोल्ड फॉर एस टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस एज इट। वही अपनी स्टेटमेंट बना लेंगे, प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो पिछले बार आ जाइए, ये ओरिजिनल था,
जब इतनी सेल्स थी तो इतना प्रॉफिट था, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल लो। प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर या फिर सेल्स इनटू 100, टर्नओवर मतलब सेल्स कितना था, 210,000 डिवाइड बाय 12,60,000 इनटू 100, तो ये आ गया 16.6666%। अब यही परसेंटेज हम इसमें भी अपनी इक्वेशन बना लेंगे। आपको पता ही इक्वेशन तो बचपन से बनाते आई हो, क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, 12782 प्लस 16.666666% सॉरी मतलब डिवाइड बाय 100 एक्स कर दो इज इक्वल टू एक्स, ठीक है कि नहीं। अब आ जाइए इसको कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा sure. बेटा इसमें कॉस्ट का कर ले ज्यादा कैलकुलेशन, बिल्कुल कर सकते हो सर, मैंने तो आपको मना ही नहीं किया, लेकिन मैं बिल्कुल वैसे चल रहा हूँ जैसे बुक में वो लिखा हुआ है प्रॉफिट का, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कॉस्ट का करोगे तो सीधा 20% आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सर। और सर जो भी ये परसेंटेज वगैरह हम निकालेंगे वो 2015 के हिसाब से निकालेंगे सब कुछ, क्योंकि जो आपको बेस दे रखा होता है ना, वो जो मतलब आपको कंप्लीट फिगर दे रखा होता है वो आपका बेस बनता है। मतलब जैसे ये फैक्ट्री ओवरहेड्स इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस वगैरह सब 2015 के लेंगे हम। नहीं नहीं डायरेक्ट वेजेस तो आपको देंगे, डायरेक्ट मटेरियल आपको हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको देंगे एक्चुअल, इसमें भी तो दिया ना डायरेक्ट एक्सपेंस। तो नहीं नहीं वो निकालने के लिए कितना परसेंट है, डायरेक्ट के लिए थोड़ा निकालोगे, डायरेक्ट तो दे रखा है। हाँ ये सारे निकालने के लिए आप बेस हमेशा ओरिजिनल का लो, ये बेस ये निकालने के लिए हमेशा इसका बेस लोगे जो ओरिजिनल। ठीक है चलिए देखिए, कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन मेरे तरफ से, आगे चलते हैं। जब हो जाए बता दीजिएगा। कुणाल हो गया, एक मिनट। अंकित यस सर हो गया, आर्यन जी, आर्यन जी हाँ जी सर हो गया सर, कुणाल हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, 7.10 पे आइए, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ये लिख लिया ना आप लोगों ने सब। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 7.10, क्या कह रहे हैं, Pleasant Cold Limited manufactured and sold 1,000 refrigerators in the year ending 2015. The summarized trading and P&L account आपको दे रखा है। इसका आंसर मत देखना, पहले बता दूं इसका आंसर बहुत अलग है, हम अलग करेंगे बिल्कुल इसको, फाइनल आंसर मैच होगा। आपको कॉस्ट ऑफ मटीरियल दे रखा है P&L अकाउंट में, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दे रखे, सेल्स दे रखी है, मैनेजमेंट एंड स्टाफ की सैलरीज दे रखी है, रेंट दे रखा है, रेट्स दे रखे, इंश्योरेंस दे रखा है आपको, आपको आगे सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस सब कुछ दे रखा है। फॉर द ईयर एंडेड इतना आपको आउट दे रखा है कि आउटपुट हमारा 1200 का आएगा। ये जो ऊपर दे रखा है डाटा वो 1000 का दे रखा है, तो वो कह रहे हैं कि इस पर 1200 रेफ्रिजरेटर्स बनाएंगे, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल 20% बढ़ जाएगी, वेजेस 5% बढ़ जाएगी। थर्ड फोर्थ पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। सेलिंग कॉस्ट हमारी अनचेंज्ड, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट को अंडरलाइन करिए, selling cost per unit will remain unchanged, other expenses
will remain unaffected by the output. You are required to submit a statement for the board of directors showing the price at which the refrigerator should be marketed so as to show a profit of 10% on selling price. ठीक है, बिल्कुल सही है. इसमें अब अगर आप चाहो तो आप इसको इस ये जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है तो कॉस्ट शीट फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट उसकी जरूरत ही नहीं है, हम उसके बिना ही कर सकते हैं. तो आइए सीधा इसका 2016 का जो हम अपना कॉस्ट शीट बनाते हैं. इसमें 15 वाला नहीं बनाएंगे सर, मतलब बनाने की जरूरत ही नहीं है. आप देखोगे ना, क्योंकि इसमें जो है 15 बना लोगे तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा. बट अगर एक देखा जाए तो पीएनएल अकाउंट में एक स्टेटमेंट ही है, तो इसलिए आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारा है मटेरियल. हम पीएनएल अकाउंट से शुरू करते हैं. सबसे पहले मटेरियल दे रखा है. अच्छा, ये कितने यूनिट्स के लिए है? ये हमारा है 1200 यूनिट्स के लिए. फिर 1000 के लिए ना जो दे रखा है 2015 तक 2016 में, और बनाना है 1200 का. देख पहले पहला पॉइंट पर. हाँ हाँ, मतलब जो दे रखा है पीएनएल में वो तो 1000 का है ना. हाँ, वो 1000 का है. मैं तो उसको तो बना ही नहीं रहा ना, ये मैं नया बना रहा हूँ. तो मटेरियल्स कह रहे हैं वो कि 20% बढ़ जाएगा प्रीवियस ईयर से. तो पहले तो आपको दे रखा है 80,000, वो दे रखा है 1000 का. तो पहले तो उसको बेस लेवल पे इंक्रीज कर दो, मतलब प्रोपोर्शन कर दो. और फिर वो कह रहे हैं कि 20% बढ़ जाएगा इनटू 120%. वेजेस वो कह रहे हैं कि 5% बढ़ेगा. तो 1,20,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1200 इंटू 105%. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देखो, 10 वाला कौन सा? ये 105, 120% वाला कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया? हाँ, मतलब जितना भी परसेंट इंक्रीज हाँ, होता है सीधा उसी से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे जो तू कहता है वो भी ठीक है, प्लस माइनस वाला वो ज्यादा इजी है, बट ये शॉर्टकट है. प्लस सीधा 120 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना. हाँ, ये तो मैं तो सीधा इससे मल्टीप्लाई करता हूँ. पहले आप इसमें निकालोगे, फिर उस पर प्लस करोगे या माइनस करोगे, तो है दोनों एक ही चीज, बट मेरे को ये शॉर्टकट लगता है. मतलब 120 बाय 100 है ना सर? 120% दबा दे सीधा तो वही हो गया ना. हाँ, 120 बाय 100. ठीक है ठीक. तो और हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो यही हो गया हमारी प्राइम कॉस्ट. सर मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट नहीं लेंगे? सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैंने क्या बोला था सर, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है अगर टोल लोगे या फिर कैरेज इनवर्ट्स लोगे. मैंने कल भी तो बोली थी ये बात, तो पहले दिन से बोल रहा हूँ. और इसमें तो एक और हिंट है, इसमें तो एक और हिंट है इस क्वेश्चन में. देखो क्या लिखा हुआ है कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. देख नीचे पढ़ो फोर्थ पॉइंट, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस. इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो ये तो सीधा वेरी करता आउटपुट के साथ, बट इन्होंने लिखा है कि कंबाइंड कॉस्ट जो प्रोपोर्शन हमारा है वेजेस एंड मटेरियल की, उसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगी. इसका मतलब ये एक और हिंट मिल गया कि इनडायरेक्ट है. लाइन नहीं भी लिखी होती तब भी हम इसको इनडायरेक्ट ही मानते, लेकिन इसमें तो एक और हिंट मिल गया कि ये इनडायरेक्ट. अच्छा, और जो भी हमारी मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे हमारी वेजेस हो गई और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो हमेशा आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करेगी. जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो उल्टा मतलब डायरेक्ट वेजेस हो गई और कॉस्ट ऑफ मटेरियल. हां, जो भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आउटपुट के साथ तो वेरी करेगी करेगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, उसके बाद उस पर प्लस माइनस हो सकता है वो इंक्रीज इन प्राइसेस. लेकिन वो एक एक बार तो डायरेक्ट वेजेस सॉरी आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी कर. अच्छा बच्चों, एक ना लाइन मेरे को लास्ट क्वेश्चन में लिखवानी रह गई आपको, कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी किया था मैं लिखवा दूंगा, मैं बता देता हूँ. उसमें तो लिखा था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री वेजेस का परसेंटेज है
ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट का परसेंटेज उसमें तो लिखा था। बट अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होगी ना, तब भी अंडरलाइन एजम्पशन यही होगी। अगर आपको दे रखा है कि ये इसके ऊपर बेस्ड है, तो चाहे वो कुछ भी लिखा हो हम वो ही करेंगे। लेकिन अगर वो लिखा नहीं है तो जो अंडरलाइन एग्जम्पशन है वो यही होती है कि फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री वेजेस के, और तीनों ओवरहेड्स होते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के, ये अंडरलाइन एग्जम्पशन होती है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फैक्ट्री वेजेस, सॉरी अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑफिस ओवरहेड्स ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, तो आप वही करोगे जो लिखा हुआ है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो ये जो इस क्वेश्चन में हमने किया है वो ही एजम्पशन हमारी चलती है। ये मैं अभी आपको एक जगह पे लिखवा दी। अब आइए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ना, मैं यहाँ पे जरा एक स्टैम्प वो एक चार्ज लगा देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स एंड वेजेस। तो इसकी वर्किंग यहाँ देखते हैं। देखो, व्हेन व्हेन कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड वेजेस वर वॉज कितनी थी, 1 लाख, सॉरी 2 लाख, वॉज 2 लाख, फैक्ट्री ऑफ एक्सपेंसेस वर 50,000। नाउ व्हेन कंबाइंड कॉस्ट, ये यूनिटरी मेथड हो रहा है बेटा, ऑफ मटेरियल्स एंड वेजेस आर इस, कितनी है इस बार हमारी 115,200 प्लस 151,200 इस 266,400। ये कैसे आई वो भी लिख देता हूं, 115,200 प्लस 151,200 ऐसे आई, ठीक है। द फैक्ट्री एक्सपेंसेस विल बी, कैसे निकाला मैं एक बार फिर अब आपको उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बताता हूँ कि जब कंबाइंड कॉस्ट 2 लाख थी, जो निकालना होता है वो राइट में रखते हैं, ये तो पता है ना, जब कंबाइंड कॉस्ट 2 लाख थी तो फैक्ट्री एक्सपेंस 50,000, जब कंबाइंड कॉस्ट 266,400 हो गई तो फैक्ट्री एक्सपेंस कितने हो जाएगी, समझ में आया कुणाल? एक मिनट आराम से समझो। अंकित आर्यन देख रहा हूँ सर, आराम से समझो, पहले इसको यूनिटरी मेथड लगाइए। ये बस स्टेटमेंट बताना सर दोबारा जो बोली थी आप, क्या बताऊ ये स्टेटमेंट की, जब जब मटेरियल एंड वेजेस के कंबाइंड कॉस्ट 2 लाख थी जो ओरिजिनल है, तो फैक्ट्री एक्सपेंस 50,000 थे, जब कंबाइंड कॉस्ट हो गई 266,400, अब तो फैक्ट्री एक्सपेंस कितने होएंगे, तो हम क्या कर लेते, यूनिटरी मेथड निकाल लेते ना, 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख इनटू दिस, जो निकालना होता है वो राइट साइड में रखते हैं, तो हमें फैक्ट्री एक्सपेंस निकालने थे इसलिए उसको राइट साइड में रखा। अंकित समझ में आया? यस सर। आर्यन? यस सर, आगे सर। कुणाल? यस सर। जल्दबाजी नहीं है तेरा, यस इतना वो नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, आ गया ना? हाँ सर। चलो अभी आगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो हमारे पास अभी आ गई वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब आगे चलते हैं,
अब उन्होंने लिखा है मैन्युफैक्चर, अब हमारे पास ऊपर तो कुछ नहीं बचा, अब नीचे आओ मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरीज। इसके लिए क्या दिया है उन्होंने, इसके लिए कोई डाटा नहीं दे रखा, ये दे रखा है अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट। तो ठीक है जितना पहले था वही अभी ले लेते हैं, ठीक है। रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ये भी ऑफिस के ही हो गए। सर ये अदर एक्सपेंसेस यानी ये सारे देख जितने भी उन्होंने हमारे को मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नीचे अलग से दे दिया, सेलिंग के बारे में नीचे अलग से दे दिया, इसके बाद जो भी बचे रेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया और जनरल, ये सारे के साथ ठीक। एक सेलिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन यहाँ पे कोई एक स्टार सा बना देता हूँ। यहाँ पे मैं आर्यन की मनपसंद चीज लगाता हूँ। और सर ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और फैक्ट्री वाले सेम ही होंगे ये सही है आर्यन यहाँ पे क्या? कैसे? हाँ क्या कह रहे हैं कुणाल, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर ये फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग वाले एक ही होंगे इसमें। और मैन्युफैक्चरिंग एक ही चीज है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है और ये तीनों ऑफिस ओवरहेड्स। ठीक है अब सर आर्यन से कर लो आप। ठीक है आर्यन के लिए देखो मैंने स्पेशली ये आर्यन के लिए लगाया है। चलो सेलिंग एक्सपेंस लिखते हैं अब, इसमें क्या कह रहे हैं वो, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो जरा मुझे ये बताओ इस बार सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 30,000 टोटल थी, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट कितनी थी? 30,000। और कितने यूनिट्स के लिए थी वो? ये कितने का दे रखा है डाटा? हजार इसका मतलब पर यूनिट कितनी पड़ गई? तो तीस पड़ गई इस बार हमने कितने यूनिट बेचे हैं? 1200 तो बस खत्म, इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा वही हो गया ना 30,000 अपॉन 1000 इंटू 1200। यही हो गया एक तरीके से। देखिए मैंने तो लिटरली लाइन को पढ़ के आपको समझा दिया कि ये हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी आ गई 459,000, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 10% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का चाहिए, तो बड़ा सिंपल है, इसको प्लस प्रॉफिट कर दो, सेल्स थोड़ी सी जगह कम हो गई, ठीक है ना, मैं इसको आगे दे देता हूँ 459। ये 10% ऑफ एक्स हो गया और सेल्स एक्स हो गया, तो सेल्स एक्स ले लिया तो 0.10x हो गया, तो कितना हो जाएगा 49,000 डिवाइड बाय 0.9 कर दो तो कितना आ गया 5,10,000 की आपकी ये सेल्स आ गई। ठीक है बच्चों बताइए समझ में आया? इन्होंने बना रखा, मैंने क्यों बोला था आपको कि इनके तरीके से मत करिए, क्योंकि इन्होंने पर यूनिट बना रखा है। वाई टू वेस्ट टाइम, हमें पर यूनिट क्यों बनाना है, हम टोटल बनाएंगे। ये फर्क था मेरी हमारी पहले इसमें कॉस्ट शीट और इनकी कॉस्ट शीट। हो गया
आगे बढ़े। हाँ जी कुना, सबका हो गया तीनों का। एक मिनट सर। तो अंकित हो गया, वेरी गुड। आर्यन का, अरे वाह वेरी गुड। कुणाल जल्दी से तू भी कर, या फीस भी डिपॉजिट करा दो, मैं भी कर पाऊँ तो मैं ये। कुणाल ने तो करा दिया, वैसे कुणाल का हो भी गया। हाँ जी आर्यन, तू कब कराएगा? आज शाम को करा दूंगा। अगर कैश कराए तो आज चला जाइयो, ठीक है? मैं भी आऊंगा वैसे आज इंस्टीट्यूट 1-1.5 घंटे के लिए, बीच में 2-1:15 के तू आ सकते तब। देखता हूँ एक बार, क्लासेस है 3:30 तक तो। हाँ पॉइंट तो बाद में करा दियो, एक ही बात है। 7.11 क्वेश्चन पे आए, और वो देख लिया वीडियो श्वेता वाला? कहीं आर्यन तूने तो नहीं बताया श्वेता को सब कुछ? सर, मैं नहीं जानता किसी श्वेता को, आप थोड़ा ध्यान सब से रहना, आप भी कहीं। जानता है तू तो, श्वेता वेता को, क्योंकि तूने जो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया वो श्वेता को बता दिया गया है, ठीक है ना? आइए, देखा है वैसे वो देखा है उसकी चैट, सुनिए। सबने सुन ली अब तो, 111 लोगों से ज्यादा ने सुन ली। 111 लोगों ने सुन ली होगी, और उससे कहीं ज्यादा 1 करोड़ लोगों ने सुन ली होगी। चलिए आइए, द पर्टिकुलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ सुमित एंटरप्राइज। या अंकित क्यों नहीं आया वैसे, तेरा चहिता, तेरा बेस्ट फ्रेंड? वही ना सर, मैं बता रहा था सर, वो कह रहे थे उसने वही ज्वाइन कर लिया है ऑफलाइन ही, लुधियाना में। अरे वो नहीं, वो निमिश, अच्छा सर, पता नहीं सर, सो रहा होगा सर वरना लेट ही सो हुआ रहा है 250 कभी। घंटी में जाके। चलिए आइए, द पर्टिकुलर्स ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ सुमित एंटरप्राइज फॉर द ईयर आर एज फॉलोस। आपको ओपनिंग रॉ मटेरियल दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस एबनॉर्मल वेस्टेज। अच्छा इसमें एक नया पॉइंट आ गया, थोड़ा छोटा सा ना, एक एबनॉर्मल वेस्टेज का पॉइंट आ गया, अभी करेंगे इसको, इसको टिक कर दो एबनॉर्मल वेस्टेज वाला। अरे वो लाइन लिखवाने दो यार मेरे को, कहीं पे ना बड़ा बड़ा लिख लो, जो वो क्वेश्चन किया था ना अभी आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, वहां बड़ा बड़ा लिख लो मार्जिन में कहीं, सॉरी ऊपर, मतलब ऊपर लिख लो इन द, मैं बोल रहा हूँ लिखो जरा, पॉइंट्स टू रिमेम्बर टू कर दो, एक तो वो इक्वेशन भी पॉइंट्स टू रिमेम्बर, एक और कर लो इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट्स ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, रेट्स ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स रेट्स ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स कॉमा द फॉलोइंग अंडरलाइंग एजम्पशंस विल बी टेकन, द फॉलोइंग अंडरलाइन एजम्पशंस विल प्रिवेल या विल बी टेकन। फर्स्ट पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स विल ऑलवेज बी एज्यूम्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स विल ऑलवेज बी एज्यूम्ड टू बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, टू बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस सच एज, या ऑल अदर एक्सपेंसेस नेमली ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चार होते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन will be assumed to be based, will be assumed to be based on net factory cost, on net factory cost।
नीचे एक लाइन में लिखिए, हाउएवर दीज एजम्पशंस विल ओनली प्रिवेल, दीज एजम्पशंस विल ओनली प्रिवेल व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. चलो आइए अब 7.11 क्वेश्चन पे. आपको दे रखा है नॉर्मल वेस्टेज दे रखी है, फैक्ट्री वेजेस दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दे रखे है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दे रखे है, सेल्स दे रखी है 4000 यूनिट्स की. और बता दिया है कि पहले तो आपको तो यही इसी को कॉस्ट शीट में प्रिपेयर करना है. फिर 2014 में आपको 5000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है, उसके लिए एक कॉस्ट शीट बनानी है, जबकि प्राइजेस रॉ मटेरियल के 15% बढ़ जाएंगे, वेजेस के 10% कम हो जाएंगे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स चेंज नहीं होएंगे, और सेलिंग ओवरहेड्स 50% वेरी करेगा, 50% डायरेक्ट रहेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो 2013 की कॉस्ट शीट बनाते हैं. आप भी शुरू करिए. सर जो भी आपने लाइन लिखवाई है उसका मतलब ये हो गया ना कि इन केस अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको सेम ही ले लेंगे. कौन कौन सेम ही ले लेंगे जो दिया हुआ होगा. नहीं सेम, अरे मैंने ये तो नहीं लिखवाया है, मैंने ये लिखवाया है कि इन केस कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि कौन सा किसके ऊपर बेस्ड है. तो अच्छा ठीक है सर, नेट फैक्ट्री कॉस्ट चेंज परसेंटेज बेसिस किसका बेस किसका लो वो लिखवाया. ठीक है सर, ठीक है ठीक है, कंफ्यूज हो गया था मैं. आइए अब हम 2013 का डाटा बना रहे. जब यूनिट्स कितने थे हमारे 4000. चलिए तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. ₹150,000 प्लस परचेजेस 3 lakhs माइनस क्लोजिंग स्टॉक 40,000 माइनस एबनॉर्मल वेस्टेज. एबनॉर्मल वेस्टेज यहीं से माइनस होती है बच्चों, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेना होता है ना. हमारी आ गई 4. अब इसमें आ रही है फैक्ट्री वेजेस. सॉरी अब देखो, अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर फैक्ट्री वेजेस तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल जानी चाहिए. बिल्कुल चली जाती है अगर अलग से फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस दे रखी होती, बट अलग से डायरेक्ट वेजेस नहीं दे रखी, इसलिए फैक्ट्री वेजेस आर नथिंग बट डायरेक्ट वेजेस. कोई आप ये मान के चलो कि दो चीजों के बिना काम नहीं चल सकता, मटीरियल एंड लेबर. डायरेक्ट एक्सपेंस के बिना काम चल सकता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के की एजम्पशन भी लोगे आप. डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ दो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर कैरिज इनवर्ट, लेकिन वेजेस के बिना कोई काम नहीं हो सकता. तो वेजेस एंड मटेरियल हमेशा लोगे. फैक्ट्री वेजेस आपकी है 2 lakh. अब आगे प्राइम कॉस्ट. इन्होंने पर यूनिट बना रखा है जिसकी कोई नीड नहीं है. प्लस आ जाइए फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 lakhs. फैक्ट्री कॉस्ट ऑफिस एंड ओवरहेड्स
है जी, आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और सर जैसे इसमें हमें एक साथ ही दे रखा है ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो इसमें जब नहीं मतलब इसमें जब जैसे वो वाला क्वेश्चन था जिसमें हम वो उसको बेस मान रहे थे किसी को, तो उसको एक ही लेंगे ना इस केस में, तो फिर हाँ जब एक दे रखा तब तो आप एक ही लो, उसमें भी जब अलग अलग दे रखा था तब भी हम एक ले सकते थे अगर उनका इंक्रीज डिक्रीज सेम होता। अच्छा मतलब वो परसेंटेज उनकी सेम होनी चाहिए थी। हाँ जो इंक्रीज डिक्रीज की हो रही है ना वो परसेंटेज अगर सेम होती तो हम एक ले सकते थे, लेकिन वहां वो अलग हो रही थी ना इसलिए हमने उसको अलग अलग ही रखा। ठीक बस आप सिंपल मान लो अगर अलग अलग दे रखा तो अलग अलग ले लो और इतना दिमाग ही मत लगाओ, अगर सेम दे रखा तो सेम दे लो, बस सिंपल। ये आगे 10 लाख सेल्स दे रखी आपको तो इसमें प्रॉफिट आएगा हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया हमारा, हमारी ये कॉस्ट शीट बन गई 2013 की, जल्दी से बनाइए फिर 2014 की शुरू करते हैं। प्रणाली कितना है इसमें, हमारा यूनिट्स है 5,000। सबसे पहले आ जाइए, क्या कह रहे हैं वो 15% बढ़ जाएगा, पहले तो बेस निकाल लो। तो कितना था 1 लाख, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था 4 लाख, ये था 1000 यूनिट्स के लिए, 4000 यूनिट्स के लिए हमें करना है इनटू 5000 2.5%। डायरेक्ट वेजेस कितना था हमारा 2 लाख, और ये हमारा हो जाएगा 10% कम हो जाएगा। तो 2,25,000 अब आ जाइए, इसके बाद हमारे थे फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके लिए क्या दे रखा उन्होंने कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं है, तो कितने थे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 लाख एज इट इज आ जाएगा। तो सर मतलब इसमें फिर कुछ नहीं दे रखा, तो यानी कि जो यूनिट्स के हिसाब से भी नहीं करेंगे, यूनिट्स के हिसाब से तो कभी होता ही नहीं ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन्होंने लिखा है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स there will be no change in total factory overheads, तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, no change in, मतलब पिछले साल जितने थे उतने इस साल, और यूनिट्स के हिसाब से सिर्फ रॉ मटेरियल और वेजेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसमें और कितने थे, 3 एक्सपेंसेस थे ना इसके बाद हमारे, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन थे 80,000। बेटा
ये डाउट है कि जो क्या कह रहे हो? मेरी डाउट है कि हाँ बोलिए। जैसे जो एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस वगैरह जो हमने लिखा हुआ है कि वो एज पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट होते हैं, तो बट इसमें तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट चेंज हो रही है ना, तो हमें पहले पहले वाले का तो मैंने कोड। क्या लिखवाया था, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि वो सेम रहेगी। अच्छा ठीक है, ठीक अगर ये नहीं लिखा होता तो हम प्रोपोर्शन करते बिल्कुल। है सर। सर वो प्रोपोर्शन हम किस केसेस में करते हैं, मतलब जब कुछ भी ना लिखा हो नहीं एक्सपेंसेस नहीं वाले मतलब में, किस टाइप वाले क्वेश्चन जिसमें हमें ये ये सारे मतलब क्वेश्चंस में, जब भी आपको क्वेश्चन बनानी है, पिछली क्वेश्चन से लेके इस बार क्वेश्चन बनानी है, तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए वो करोगे, लेकिन जब बिल्कुल इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो। मैंने उस स्टेटमेंट में 2 बार लिखवाया, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, बिल्कुल साइलेंट है ओवरहेड्स के बारे में क्वेश्चन। तो जो हमने मतलब लास्ट क्लास में किए, तो उसमें तो हमने किसी में भी ये नहीं किया था सर। उसमें भी दे रखा डाटा, देख लो, चलो दिखाओ क्वेश्चन। ठीक है, अगर बिल्कुल ही साइलेंट है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है लेकिन बेस नहीं बता रखा कि बेस क्या लेना है, तो तब हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें लिखा है आज जो क्वेश्चन हमने किया, ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, कि बिल्कुल सेम रहेगा पिछले साल वाला, तो ठीक है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। बताइए। और जिसमें हमने किया था सर, उसमें मतलब जैसे वो दिखा था कि इट वुड बी प्रोपोर्शनेट टू। हाँ, जहां पे भी वो लिखा था तो वैसे कर लिया, प्रोपोर्शनेट था तो उसके हिसाब से कर लिया। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती बिल्कुल भी, तो हम अपना ये परसेंटेज निकाल लेते। ठीक है, समझ आया आर्यन, कुणाल, अंकित? चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आगे 10,80,000, अब कौन से खर्चे बचे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। देयर विल बी फिफ्थ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुणाल के लिए एक बिल बना देता हूँ, थोड़ा गहरे कलर का दिल बनाते हैं। ओके, आइए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं इसको। ये है, क्या कह रहे हैं वो, कि 50%, ये है कितने, 1,20,000, 50% तो अनचेंज रहेंगे और 50% वेरी करेंगे विद द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ये तो सेम रहेंगे, 6 लाख के 6 लाख रह लेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, 6 लाख 60,000 होगा ना 50% तो। तो 12 लाख है, सॉरी सॉरी, 1,20,000। ठीक, देख आर्यन, देर से गाने भी चले हुए 7 बजे घर में, सुन रहा होगा ना तू, प्यार किया तो क्या घबराना, प्यार कौन सा गाना सर? किया तो निभाना। आइए, बढ़िया यार, तेरे क्या, तेरे बढ़िया गाने चले हुए सुखर। कितनी थी पिछले बार सेल्स, थी 4,000। तुम ही पूजा हो, मन मंदिर तुम ही हो, वाह, मैं क्या बोलूं यार। आइए, ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा। हाँ आर्यन बेटा, समझ ले, तुम ही पूजा हो, मन मंदिर हो तुम ही, 75,000। तो यहाँ पे लिख लो फिक्स्ड 60,000, वेरिएबल 75,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारी, बारह लाख 15,000। आगे चलता हूं मैं, देखिए इसको,
वो क्या कह रहे हैं लास्ट लाइन में पढ़ लेते हैं। सेलिंग प्राइस बताना है पर यूनिट, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेना है, ऑन कॉस्ट है इसमें प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो आप बेस वाले देखो, ये बेस वाली बैलेंस शीट थी हमारी, ठीक है, नहीं ये नहीं, बेस वाली बैलेंस शीट। तो कॉस्ट का प्रॉफिट कितना था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालते हैं। प्रॉफिट था 2 लाख, कॉस्ट थी 10 लाख इन 200, तो 20% ऑफ कॉस्ट था, इस बार भी 20% दे देते। ये आ गया, वो पर यूनिट कह रहे हैं तो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 5000 कर देते हैं। बताइए समझ आया, अच्छे से लाना, देखो कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है, ये आ गया सबका, अंकित का तो आ गया, और किसी का? सर एक बार वो वाली चीज ना, ये जो बेस वाली चीज है वो दोबारा एक्सप्लेन कर दो पूरी। बेस वाली चीज अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये अलग हो गया वैसे। हाँ ये हो गया। बेस में पहले मेरे को बताओ प्रॉब्लम, देखो देखो दो तरीके के खर्चे होते हैं ना, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस में तीन चीजें आती है, क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इनके बारे में आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पिछली बार इतना था, इस बार इतना हो गया है, ज्यादा से ज्यादा आपको बता रखा होगा कि मटीरियल की कॉस्ट ये हो गई है और लेबर की कॉस्ट ये हो गई है, तो वो कर लोगे। बट These expenses will vary in direct proportion with the level of output. ठीक है जी, अब आ जाओ आप ओवरहेड्स की। हमारे चार, एक दो तीन चार, पांच ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो ओवरहेड्स है ये डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो सकता है, देखो क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है कि इस बार ये इतने हो गए, दिस ईयर ये ओवरहेड्स इतने हो गए, या कोई चेंज नहीं हुआ। कोई चेंज नहीं हुआ मतलब ये एक इंफॉर्मेशन है, तो दिस ईयर इतने हो गए या ये कोई चेंज नहीं हुआ। अगर ये दे रखा है तो काम ही खत्म हो गए, जो दे रखा है वही वैल्यू डाल देना। अगर दे रखा है कि पिछले बार जितने ही है तो पिछली बार जितने ही डाल देना, काम खत्म हो गया। अब अगर ये दे रखा है कि इस बार वो 20% बढ़े, 30% बढ़े या कुछ बढ़ा, इसका मतलब पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि इस बार हुए कितने, फिर उसमें प्लस या माइनस करेंगे। तो ये जो निकालना है हुए कितने, वो हम डिवाइड इनटू 4/5 नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते। तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कि वो अपने वो वेरी करता है वेजेस के साथ, ऐसे समझ लो, फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरी करता है वेजेस के साथ, और सारे एक्सपेंस वेरी करते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट के साथ, ना कि आउटपुट के साथ, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के साथ वेरी करते हैं। फिर ऐसा निकाल के फिर इनमें ये जो बेस फिगर्स आ जाएगी हमारी, इन बेस फिगर्स में प्लस या माइनस हम करेंगे। बताइए अब समझ में आया? और वो बेस फिगर की इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो वो अजम्पशन वाली ले लेंगे, नहीं तो जो क्वेश्चन है। अगर बेस फिगर की कोई भी दे रखी है कि फैक्ट्री, अगर ये लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, तो मटेरियल के ऊपर करोगे उसको,
और सर अगर ये मतलब इसमें ये भी दे रखा हो सकता है कि ये उसके साथ क्या बोलते हैं कि जितना आउटपुट है उसके साथ भी वेरी कर रहे हैं। ये भी लिखा हो सकता है, अगर लिखा कुछ भी है तो आंख बंद करके वही फॉलो कर लो, सबको नहीं तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस के साथ और बाकियों को फैक्ट्री। फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया। अभी ना बताता हूँ मैं इसको, और क्लैरिटी कैसे आएगी वो भी बताता हूँ। वैसे इतना हो गया ना, चलिए अभी आगे चलते हैं। फिर मैं एक और आपको ना टिप दूंगा इसको कैसे और क्लियर कर सकते हो आप। जल्दी से बस आइए, सर और कितने क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन और करने भाई आज, ये तो बहुत बड़े बड़े करा दिए। बड़े बड़े मैं भी तो करा हुआ साइड बाय साइड, तुम्हें तो एक भी खुद करने को नहीं दिया। चलो देखते एक तो करने दो, फिर देखते। आइए 7.12 का आइए, यार सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, मैं क्या करूँ, मन ही नहीं करता कि आपको होमवर्क दूँ। The particulars obtained from the records of Messrs. Jeevan Industries for the year 2015 are given below. आपको opening stock दे रखा है, raw material का भी, finished goods का भी, और units भी दे रखे हैं, और purchases दे रखी है, factory wages दे रखी है, overheads दे रखे हैं, office overheads, selling overheads, sales दे रखी है, closing stock दे रखा है, raw materials का, finished goods का, units में भी, rupees में भी। कॉस्ट शीट बनानी है आपको, प्राइम कॉस्ट दिखाते हुए, फैक्ट्री कॉस्ट दिखाते हुए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट एंड सेल्स पर यूनिट भी दिखाना है इसमें। तो आप टोटल बना लीजिएगा, उसके साथ आप उसको पर यूनिट भी दिखा सकते हो, या फिर सीधा का सीधा आप लास्ट में मतलब नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, आपको ना दो कॉलम बनाने पड़ेगा इसमें, एक टोटल वाला उसके साथ एक पर यूनिट वाला। तो पर यूनिट आपको डिवाइड करना पड़ेगा प्रोडक्शन से, सब कुछ प्रोडक्शन से डिवाइड करना पड़ेगा। सर पर यूनिट तो सिर्फ सेल्स चाहिए ना, वो सेल्स चाहिए लेकिन ना आप इसमें ना टोटल कॉस्ट एंड सेल्स पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट आप पूरा ही, मैं पूरा ही बना दो, आप पूरा ही बना दो, उसके साथ साइड साथ साथ ही बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर छोड़ भी सकते हो, सेल्स पर यूनिट बाद में कर लेना, सीधा जो आएगा उसको डिवाइड कर देना, दोनों ऑप्शन आपको। सर अब जैसे मतलब ये हमें इन्फॉर्मेशन 15 की दी हुई है, तो 15 में हमें फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो उसका हमें वो तो दे ही नहीं रखा, मतलब कि अच्छा सेल्स ठीक है दे रखी, सब दे रखे। ठीक है ऐसा करते हैं, हमें मांगा क्या है इन्होंने, पहले तो इन्होंने 2015 का भी मांगा है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले तो जल्दी से 2015 का बनाते हैं। अब देखो पूरे पूरे क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ यार, तो मैं समझ रहा हूँ थोड़े लंबे क्वेश्चन तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, चलिए अब आगे चलते हैं। प्लस इसमें ऐड कर देते हैं हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स, $70,000
इसमें हम अपना ऐड कर देते हैं ऑफिस ओवरहेड्स, अब इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग है हमारे पास, दोनों की यूनिट्स भी हमारे पास है और ये रुपीज भी, तो 20,000 ओपनिंग का ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग का माइनस कर देते हैं 164,080। सेल्स दे रखी है आपको 9,28,000। प्रॉफिट आ गया 242,080। उन्होंने क्या मांगा आपसे? सेलिंग सेल्स पर यूनिट 928,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट सोल्ड कितना है, ठीक है ना? टोटल यूनिट्स हमारे सोल्ड है 3200, इसको डिवाइड प्रोडक्शन से नहीं करोगे, इसको सोल्ड से करोगे, जितना बेचा 290। सर जितने का मतलब हमें ऑर्डर रिसीव होता है वो गुड प्रोड्यूस्ड होगा। क्या कह रहे हो सर कुणाल, क्या कह रहे हो? जितने का भी मतलब ऑर्डर एक्सपेक्टेड होता है वो हमारा गुड्स प्रोड्यूस्ड होंगे ना? हाँ नहीं प्रोड्यूस्ड, हाँ प्रोड्यूस्ड तो देखो ऑर्डर एक्सपेक्टेड कह लो या ऐसे कह लो कितना हमने बनाया वो हुआ, लेकिन उसमें से बिका कितना, अगर आप ऑर्डर वाला क्वेश्चन है ना जैसा ऑर्डर वाला अगर है कोटेशन वाला, तो उसमें देखो प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड सेम होगा 99% क्वेश्चन। ये होता है कि ऐसे जनरली प्रोडक्शन चल रही है, मैंने 10,000 यूनिट्स बना दिए उसमें से 8,000 बिके, 2,000 बच गए, ये तब आती है दिक्कत। अगर कोई ऑर्डर कोट करना है तो उसमें प्रोड्यूस्ड यूनिट्स और सोल्ड यूनिट सेम होएंगे, ठीक है? ओके, यहां तक हो गया बच्चों। अब 2016 की बनानी है, पहले बताइए 2015 की होगी सबकी, करें शुरू। अब हमें एक ऑर्डर मिला है 5,000 यूनिट्स का, रॉ मटेरियल और फैक्ट्री वेजेस का बता रखा है। There will be no change in total factory overheads and office overheads. Selling overheads will remain the same. Prepare an estimate of the factory. ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सर अब ये selling overheads का per unit दे रखा है तो मतलब वो 4,000-5,000 वाला करना पड़ेगा। हाँ, बल करेगा ना। इसमें प्रोड्यूस भी 5,000 ले रहे हो और सोल्ड भी, जब आपको एक ऑर्डर मिला ना तो अभी हमने बनाया कितने का था, अभी हमने बनाया था 30। अच्छा नहीं, अब दिक्कत आ गई, देखो अब आपको पिछले साल का हमें बना निकालना पड़ेगा प्रोड्यूस कितना था, क्योंकि देखो फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने है वो दे रखा है आपको 9,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट दे रखे हैं आपको 900, आपको सेल्ड यूनिट दे रखे हैं, सोल्ड यूनिट दे रखे हैं 3,200। रिड्यूस तो नहीं है ना हमारे पास, तो यूनिट रिड्यूस निकालते हैं जल्दी से इक्वेशन बना के, 1,000 + x = 900 + 3,200। ये समझ में आई बात सबको? जरा एक बार हाथ उठा दीजिए,
हाँ जी आर्यन, कुणाल को आ गई, आर्यन कोई बात समझ में आ गई? हाँ जी अंकित बोलिए। हम 5000 से नहीं कर सकते कैसे, क्योंकि इसमें ये अज्यूम नहीं कर सकते कि जो ऑर्डर रिसीव है उतना ही प्रोड्यूस होगा। देखो 5000 का ये प्रोपोर्शन करना पड़ेगा ना सर, मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालोगे 5000 से? 5000 तो इनटू करोगे, डिवाइड किससे करोगे? अच्छा हाँ 3100 से करेंगे, वो निकालो ना। और गलती से 32 से नहीं कर सकते क्योंकि 32 बेचे है, बनाए तो 31 है ना। यस सर अंकित। यस सर। हाँ जी आर्यन बताओ। ये भाग गया बेटा, ये क्लास से बाहर भाग गया, आ गया चलो। आपने दिल बना दिया ना ज्यादा, आज ज्यादा दिल बना दिया इसलिए थोड़ा दिल, इसका गाना भी पता नहीं है बढ़िया मस्त चला है, जरा जरा चल रहा है इस वक्त ना, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मन वो हो जाता है ना, भटक जाता है थोड़ा, मूड बना रहे सर हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना था, कंज्यूम कितना था यार इसमें देखना जरा, ये था 3,30,400 इंटू आ गया 532,903। ठीक है, अब इसमें जो कॉस्ट है इस बार कॉस्ट बढ़ रही है 15%। ये आ गया 612,839। डायरेक्ट वेजेस कितनी थी, 3,80,000। और ये कितना हो रहा है, इट इज गोइंग अप 10%। ये हो गया 674,194। और कौन सा खर्चा था, कोई नहीं था। अब आ जाओ प्राइम कॉस्ट पे, ₹12,87,033। अब वो क्या कह रहे हैं, देयर विल बी नो चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ठीक है जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स बिल्कुल सेम लिख देते हैं। कितने थे पिछली बार, 70,000 थे। हम तो ब्लाइंडली फॉलो करते रहे कि जो दे रखा है उसमें, हमें ज्यादा दिमाग अपना लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे इजी चैप्टर होता है ये और सबसे ज्यादा मार्क्स का आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। हो गया, अब आ जाओ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस ओवरहेड्स में इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बढ़िया बात है भाई, 40,000 रुपए एज इट इज लिख दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, आ गया हमारा 13,97,033। अब कौन से खर्चे बचे, सेलिंग के बचे सर। अब इस केस में हम वो नहीं लेंगे ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे, सेलिंग के बचे हैं। और सेलिंग का वो क्या कह रहा है कि ओवरहेड्स पर यूनिट विल रिमेन द सेम। तो पिछले साल कितना था, 9600 था, लेकिन वो कितने यूनिट्स के लिए था, 3200 जो हमने बेचे है। सेलिंग हमेशा बेचने पर डिपेंड करता है, ठीक है, इनटू चलिए दोबारा बताना है। एक सेकंड बता दो सर। मैंने ये कहा, उन्होंने क्या लाइन लिखी है वहां पे, उन्होंने लाइन लिखी है कि सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट विल रिमेन द सेम। तो यहाँ देखो, इसमें सेलिंग ओवरहेड्स कितने थे, 9600। ये कितने यूनिट्स के लिए थे, जो मतलब एक बार 9600 रुपए का खर्चा तूने 3100 यूनिट्स जो बनाए उस पर किया होगा, या 3200 यूनिट्स जो बेचे उस पर लगाया होगा। कुणाल सोच के बता, ये जो तुमने 9600 का खर्चा किया है, वो जो तुमने 3100 यूनिट बनाए उस पे किया है हमने, या 3200 यूनिट जो बेचे है उस पे किया, जो बेचे, हाँ तो जो बेचे उस पे किया है ना। तो इसका मतलब एक यूनिट का कितना आ गया, 9600 डिवाइड बाय 3200, ठीक है ना, है कि नहीं? Yes, sir. और इस पर 5,000 ही बनाए और 5,000 ही बेच रहे हैं, ऑर्डर ही 5,000 का मिला है। तो यार
मतलब सेलिंग वाले तो हो ही, उस पर डिपेंड करेगा ना जितने यूनिट्स हमने बेचे। यही पॉइंट है। तो ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट, आ गई 16,12,033। अब हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं कॉस्ट का प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट का प्रॉफिट निकाल लो, पिछली बार की परसेंटेज देख लो कितनी थी, 14 लाख आएगा ना, 14 लाख आएगा टोटल कॉस्ट। आप कह रहे हो सर, आप 14 लाख कह रहे हो सर, मैंने जहाँ पे 16 लिखा है ये। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी 1,397,033+15, सॉरी सर 14 लाख। ओके अब देखो परसेंटेज निकाल लेते हैं प्रॉफिट की, ये कॉस्ट की परसेंटेज निकालनी है, तो 242,080 डिवाइड बाय 685,920 इनटू 100 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये आ गई 35.29%। यही परसेंटेज को अब आप ले लो अपने वाले पे, ये 14 इनटू कर दो ना 14,120,033 डिवाइड बाय 100 कर दो, ये आ गई 498,345। नहीं तो मतलब अगर कहीं पे दे रखा हो कि ये डिपेंड करता है टोटल कॉस्ट पे, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी या कॉस्ट ऑफ सेल्स पड़ेगा आपको, अगर है ही नहीं सेलिंग तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी, मतलब आपको लास्ट तक आना पड़ेगा। मतलब अगर कहीं पे दे रखा है कि जैसे हम लोग हमारी जो ऑफिस है वो डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब टोटल कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स, बताइए समझ में आया बच्चों? फिर इन्होंने सेल्स पर यूनिट भी मांगा है क्या? हाँ सेलिंग, तो सेल्स पर यूनिट क्योंकि पहले का भी मांगा था, तो इसको भी कर दो, दिस डिवाइड बाय 5000 कर दोगे तो सेल्स पर यूनिट आ जाएगा आपका 3,382 रुपीज। सर मतलब वो फिर वही है ना, जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? टोटल देख, नहीं टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, और बाकी चीजों के लिए जब कॉस्ट टोटल कॉस्ट दे रखी हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, सबका हो गया, बता दीजिए एक बार। हाँ जी कुणाल हो गया, कुणाल का हो गया है, कुणाल का कोई क्वेश्चन है या हो गया? अच्छा आर्यन का नहीं हुआ, हो गया हो गया, आर्यन आज थोड़ा सा भटक रहा है। चलो अब बच्चों एक ऐसी बात है, देखो मेरे को पता है वैसे तो बताइए थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था इसलिए बोल रहा हूँ, लड़ना मत पैसे पहले लड़ने लग जाओ, आज तो 12 बज गए, आज तो नहीं आगे करेंगे, कि अगर कोई दिक्कत ना हो पहले गालियां मत देनी शुरू कर देना, अगर कोई दिक्कत ना हो तो लेट शुरू हुआ था बैच इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा इनिशियली क्लासेस बढ़ा ले, अगर हम कल रख ले सैटरडे है, आप लोगों ने पहले भी परमिशन दी थी, अगर कोई दिक्कत ना मैं तो आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। क्लास है सर, फिर मंडे रख लो सर। हाँ नहीं अंकित, अच्छा मैं भूल गया अंकित की क्लास होती है, ठीक है कोई नहीं मंडे रख लेते फिर, मंडे कितने बजे, संडे भी नहीं रख सकते? नहीं सर मंडे यही टाइम ठीक है सर, मंडे में यही टाइम सही कर दे फिर फिक्स करें। आप नेक्स्ट वीक में जैसे आज थी मंडे वेंसडे फ्राइडे रखी थी आपने, वैसे ही रख लो आप फिर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट वीक अपना प्राइस ले लेंगे, तो मंडे 10:30 बजे रख ले नॉर्मल टाइम भी, ठीक है सर। और दूसरी बात प्लीज आर्यन एंड अंकित से और निमिश से भी एक बार, निमिश को ये रिकॉर्डिंग तो मैं भी शेयर कर दूंगा, प्लीज यार प्लीज करा देना इफ पॉसिबल आज करा देना, ठीक है? थैंक यू, कुणाल ने तो कराई दिया तो कुणाल तो पटाखे फोड़ रहे हैं। ओके बच्चों बाय बाय, मिलते हैं कोई। अच्छा सुनो, हाँ मैंने आपको बोला था ना ये जो दिक्कत आ रही है आपको, ये दिक्कत कैसे जाएगी, अभी तो हम इसी चैप्टर में हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हम रिकॉन्सिलिएशन करेंगे उसमें भी 20 क्वेश्चन है करीबन, तो इसका ना सिंपल तरीका है, आज आप कोई होमवर्क नहीं है, बस इन 5 क्वेश्चन में रीड करना क्वेश्चन को, फिर आप देख लोगे कि क्योंकि क्यों उसमें हमने ये चीज नहीं की, क्यों नहीं की, इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप इतना मतलब इतना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है नहीं जितना आपको लग रहा है, आपने अभी तक जितना हमने 9-10 क्वेश्चन किया है फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक, उसमें एक बार सारे क्वेश्चन को रीड कर लो, करने की कोई जरूरत नहीं है, बस रीड कर और देखो कि क्या लाइन है कि जिसकी वजह से मैंने आपको वो परसेंटेज नहीं निकलवाई, वो देखो बस,
आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। परसेंटेज मतलब वो बेस वाला, हाँ बेस वाला कि क्यों नहीं किया या फिर क्यों किया वो देख लो। ठीक है ठीक, चलो मंडे मिलते 10:30 बजे, ओके बाय सर।